तो संधि के प्रकार कितने होते हैं? अंग्रेटा में जैसे मान लो कि ये है कि संधि के प्रकार, तो संधि कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की, ठीक है। कौन कौन सी होती है? तो ये तो मालूम है कि एक संधि होती है जिसका नाम है स्वर, और दूसरी कौन सी होती है? व्यंजन, और तीसरी कौन सी होती है? आपकी विसर्ग, ठीक है। तो संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अब स्वर संधि किसे कहते हैं? तो स्वर संधि की परिभाषा होती है कि स्वर के बाद स्वर आने से जो परिवर्तन होता है, यानी जो विकार होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? स्वर संधि। यानी कि जैसे मान लो यहां पर स्वर है और ये स्वर है, तो स्वर के बाद स्वर आ रहा है। अब जो परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तन हुआ, तो परिवर्तन हो रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि। इसमें जैसे महा है और प्लस ईस, बराबर जो परिवर्तन होगा ये महेश होगा, ठीक है। ये परिवर्तन हुआ, यहां पे स्वर है और ये स्वर है, इसके बाद में जो परिवर्तन होगा वो कौन सा हुआ आपका? ये, ठीक है। अब इसमें एक चीज होगी, मन में आपके में सवाल होगा कि यहां पे आ प्लस आ मिलके आ कैसे हुआ, और यहां पे आ प्लस ई मिलके ये कैसे हुआ, और यहां पे ई प्लस आ मिलके या कैसे हुआ? तो ये स्वर संधि के क्या है? प्रकार। क्या है? स्वर संधि के प्रकार। और स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, जो आपको हम नेक्स्ट टाइम में बताएंगे कि ये स्वर संधि इतने प्रकार की होती है। दूसरी जो संधि आती है आपकी, वो कौन सी है? व्यंजन। व्यंजन संधि आती है, तो व्यंजन का मतलब ही होता है, देखो व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, थोड़े यहां पे अगर आपने वर्णमाला ना पड़ी हो तो देख लो, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं आपके? दो। एक व्यंजन होता है शुद्ध और एक व्यंजन होता है अशुद्ध, ठीक है ना। शुद्ध व्यंजन का मतलब होता है कि जिसमें हा सॉरी हलंत हो, जिसको अपन बोलते हैं स्वर रहित, और जिसमें हलंत हो यानी जिसको बोलते हैं स्वर सहित। तो हमेशा एक बात नोटिस करना कि व्यंजन संधि के अधिकतर विच्छेद करने पर पहले पद का अंतिम वर्ण हमेशा हलंत वाला व्यंजन होगा, विच्छेद करने पर, ठीक है। विच्छेद करने पर क्या होगा? हलंत वाला व्यंजन। और दूसरे पद का पहला वर्ण कुछ भी हो सकता है, चाहे आपका स्वर होगा, व्यंजन होगा, होगा दोनों में से एक ही। अब ऐसा नहीं कि आपके अंदर कुछ भी का मतलब बोले विसर्ग हो जाए, ये कदापि नहीं होगा। यानी पहले पद का अंतिम वर्ण हमेशा यहाँ पे व्यंजन वाला हलंत होगा, और दूसरे वाला होगा पहले पद का वर्ण, तो वो हमेशा या तो स्वर होगा या व्यंजन होगा। तो परिभाषा क्या कहती है? कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के बाद व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है, जो विकार होता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। तो यहां पर व्यंजन है, इसके बाद में स्वर है, अब जो परिवर्तन हो रहा है वो कौन सा होगा? बागीस, ठीक है। यहां पे व्यंजन है, इसके बाद में व्यंजन है, अब जो परिवर्तन होगा वो शब्द आपका कौन सा होगा? सज्जन। अब आपके मन में एक सवाल होगा, सवाल ये होगा, क्वेश्चन होगा कि यहां पर ये का था, यहां पे ई थी, तो यहां पे गा कैसे बन गया, यहां पे ता है, यहां पे जा कैसे बन गया। तो ये दोनों नियम आपकी व्यंजन संधि के अंतर्गत आते हैं, यानी जो व्यंजन के नियम है उन्हीं के अनुसार ये बनता है, ठीक है। इसके बाद में आती है तुम्हारी विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि कहती है कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है, यानी ये विसर्ग है और विसर्ग के बाद में ये स्वर आ रहा है, अब जो परिवर्तन होगा तो वो शब्द क्या होगा आपका? निराशा, ठीक है। ये आपका विसर्ग है, इसके बाद में व्यंजन है, अब जो परिवर्तन होगा वो तो होगा आपका कौन सा? दुर्बल। अब तुम्हारे मन में ये भी होगा कि यहां पर विसर्ग था, विसर्ग का ये रा कैसे हो गया, और यहां पर विसर्ग का भी रा कैसे हो गया। तो ये तुम्हारे दोनों हैं विसर्ग संधि के नियम। तो अभी तक अपन ने केवल दो चीजें पढ़ी, एक तो संधि का मेल, संधि क्या होती है, संधि की परिभाषा क्या थी, संधि कैसे बनती है, किस प्रकार वर्ण मिलते हैं, और फिर अपन ने पढ़ी थी संधि के प्रकार, यानी संधि कितने प्रकार की होती है। जैसे भी अपन ने पढ़ा कि संधि तीन प्रकार की होती है, एक होती है स्वर, दूसरा होती है व्यंजन, तीसरी होती है आपकी विसर्ग। अब इसके बाद में जो संधि के प्रकार हैं, जैसे आपकी स्वर संधि तीन प्रकार की होती है, सॉरी स्वर संधि आपकी पांच प्रकार की होती है,
और व्यंजन संधि, इसमें आपके काफी नियम है। इसके बाद में आता है विसर्ग संधि, तो इनको अपन अगली क्लास में स्टेप बाय स्टेप शुरू करेंगे। पहले अपन स्टेप करेंगे स्वर संधि, सेकंड स्टेप शुरू करेंगे जिसका मतलब है व्यंजन संधि, और थर्ड स्टेप में आपकी कंप्लीट हो जाएगी विसर्ग संधि, यानी आपकी तीन क्लास में तीन संधि फिनिश।